हे गाइस, तो चलिए आज बनाएंगे ना एक आलू से और अंडे से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि आप नाश्ते में या फिर इवनिंग स्नैक कभी भी खा सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि एक आलू लेना है, कच्चा लेना है, और उसके बाद ना उसे अच्छे से छील के धो लीजिए, और उसके बाद ना इसे ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है, यानी ऐसे लंबे लंबे लच्छों में, और तुरंत ना इसे पानी में डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर ये रहेगा तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ख़राब होने लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे दो तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि जितना भी इसका स्टार्च है वो निकल जाए, और ये देखेंगे आप कि जो हमारे लच्छे हैं ना कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके के लच्छे हैं आलू के, लंबे लंबे निकाले हैं हमने। और अब क्या करना है कि एक बोल लेंगे, इसमें डालेंगे अंडे, तो जितने भी मतलब आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप अंडे डालिए। अगर एग ज़्यादा पसंद है तो एग ज़्यादा, एग का पोर्शन ज़्यादा रखना, और अगर आलू ज़्यादा पसंद है तो आलू का पोर्शन ज़्यादा रखना। तो मैंने यहाँ पर 4 अंडे डाल दिए, आप चाहें तो एक आलू के साथ 2 अंडे डाल के भी बना सकते हैं, बस टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अंडा या आलू किसको आपको ज़्यादा करना है। तो अंडे डालने के बाद क्या करेंगे ना, इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि योग और जो एग वाइट है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक विस्कर की हेल्प से या फोक से आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए, और उसके बाद ना ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हुए थे वो डालेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ना कुछ बेसिक से मसाले डाल दीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च या ऑरिगेनो वगैरह, अगर आप ये सब अवॉइड करते हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, चाट मसाला वगैरह। नमक भी हमने इसके अंदर डाला था, बीच में वीडियो में शूट करना रह गया था लेकिन नमक ज़रूर डाला है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखा हुआ था उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, सारा पानी है उसका वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो अंडा है वो भी काफ़ी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और ग्रेट किए हुए आलुओं को अच्छे से निचोड़िए, प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद ना उस अंडे में हमें डाल देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। और ये गाइस ऐसी रेसिपी है ना कि आप झटपट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पानी साइड रख देंगे, और ये देखिए अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि आलू जो है ना वो अंडे को एब्जॉर्ब कर ले, सोक हो जाए इसके अंदर। और ये देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है ये बन के रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसको पकाने की, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। एक नॉनस्टिक पैन ले लीजिए या फिर तवा ले लीजिए, उसमें एक छोटी चम्मच के करीब हल्का सा ऑयल लगा दीजिए स्प्रेड करके, और फिर ये जो मिक्सचर है ना इसके छोटे छोटे पोर्शंस, बहुत ज़्यादा बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पोर्शंस हम ऐसे उठा के इसमें रख देंगे। तो एक ही बारी में आपके 3 से 4 आराम से बन जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा बना रहे हैं। साइड से इसको शेप दे दीजिए ऐसे, और फिर उसके बाद मीडियम से लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे दोनों साइड से। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना तो आपका आलू और अंडे का स्नैक समझिए कि रेडी हो गया है। वैसे चाहें तो आप इसमें हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत कम ऑयल में कुकिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना के रेडी कर दीजिए। अब चाहें तो आप इसको ऐसे ही खा लीजिए, रोटी के साथ खाइए, या फिर ब्रेड के बीच में भी इसको लगा के खा सकते हैं। तो ये देखिए आलू और अंडे का कितना ईजी सा स्नैक गाइस, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। तो बस बनाइए, किसी भी सॉस चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, और जब आप इसको तोड़ेंगे ना बिल्कुल लच्छेदार ही अंदर से निकलेगा, ये देखिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर रोज़ बने रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।